कोई रिकॉर्ड माड़ा है, जी तेन असि लाडलिया फौजा कहने ठीक है, गलत काम होया है जिन्हें किया है जी, जी गल है इनकुआरी दे इंसाफ जरा है जिन्हें परिवार को मिलेगा और लोगों के सामने आजगा। और फोटो तो किसी ना किसी की हो सकती है, जी फोटो की कोई गल नहीं होती, ब्याह शादी जाने और जाने एक बंदा जो जाता है रिस्पेक्ट करता है तो फोटो का इन्ना इशू क्यों है? अगर इशू है तो नियंग सिंह मैं दसो कोई उग्रवादी है या दूसरे देश का है, की चीज की है? ठीक है आ घटना हुई है आ माड़ी है यदि निंदा करते हैं, इस तरह की घटना साढ़े देश के बीच साढ़े कलंक लगे है असं मनते हैं, अभी तो जो कोई पता लगे किसी पशु या पक्षी नाल भी जिंदगी होंगी उ आत्मा कर लगी है, धार्मिक देश है धर्म के प्रति आस्था है, ऐसी गल नहीं होनी चाहिए है। अगर हो इनक्वायरी होगी जिन्हें किया है वह सजा पाएगा, कानून के हथ लंबे है कानून के हथ छोटे नहीं है। जी जैनी साहब एक सवाल नाल ये भी उठता गा कि ना कि कोई मीटिंग की गल भी सामने आई है, नहिंग सिंह जथेबंदियां कहंदियां भी साढ़े कोले आ जाओ असीं सारा दस दांगे भी असीं राष्ट्रपति नूं भी एक चिट्ठी लिखी आ, कोई मीटिंग की तुहानूं जानकारी है, मीटिंग हुई है कोई? नहीं मीटिंगां बहुत हुई है, हरेक देखो जदों दा किसानी संघर्ष चलिया है उहदे विच बड़े लोगों ने रोल किया है, बड़े लोग तोमर साहब नूं मिले ने, आपकी गल रखी है, आप कोशिशां कीतियां है। और जे अगर नियंग सिंह नाल फोटो है नैंग सिंह का उस तो पहला का गल देखो कोई उग्रवादी है, नैंग सिंह का की रिकॉर्ड माड़ा है कि उग्रवादी नाल उहदी फोटो है, नैंग सिंह असीं लाडलिया फौजा कहने जिहड़ी गल हुई है बहुत माड़ी हुई है, जी गल नहीं होनी चाहिए है, साडा एक रिस्पैक्ट सारिया का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए है। तो फोटो में लैके एक चर्चा कांग्रेस के लोग ये जी सुरजी का गल करते हैं, कांग्रेस का लोग कोई भी गल करते हैं, ये राजनीतिक ग्राउंड खो चुके हैं, अभी आप भी वोटर राजनीतिक ग्राउंड पालते हैं, किस तरह इन्हों मिले देश में अग ला के भी अपनी वोटा जी पक्की करना चाहते हैं, ये लोग इन्हों शर्म आनी चाहिए है जरा जी कोई गल करता है। जी जैनी साहब बाबा अमनदीप सिंह जिन्हां दी फोटो वायरल हुई है उन्होंने इत्थों तक भी कहा भी जिहड़ी बीजेपी सरकार है जां भारत दी जिहड़ी हुकूमत आ उह पंजाब दे विच माहौल खराब करन दी कोशिश कर रही है। देखो हुण कहिण नूं कोई कुछ भी करे जी, दुनिया जिहड़ी सब जाणदी है बीजेपी की करती है की नहीं करती, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हरेक काम जिहड़ा बीजेपी दे थोप देना, बीजेपी दा कित्थे विचार माड़ा है मैनूं दसो, विचार बीजेपी के किसी लीडर ने कि गलत गल कही है जी देश हित ना हो कोई गल कह दे किसी की जबान नहीं पढ़ी जाती, प्रजातंत्र देश है और असं देख रहे हैं कौन की कही जाता है। जी जैनी साहब हालांकि फोटो आई है सामने, फोटो के जो नहिंग सिंह ने वह भी बीजेपी को कह रहे हैं, जे किसान जथेबंदियों वाले पास गल करते हैं साड़ी थोड़ा जहा टाइम पहला जोगिंद्र सिंह अग्राहां नाल गलबात हुई है वह भी बीजेपी को कह रहे हैं, तुहानू की लगता गा? कहना है बीजेपी नो देखो मेना मतलब बगैर मतलब की गल है, बगैर की सोचे समझे किसी नो माड़ा कहना अच्छी गल नहीं है। बीजेपी दे विच मैनु दसो केड़े लीडर ने गलत, देश हित विच पार्टी है, सूबे हित विच पार्टी है, देश नु तरक्की वल लिजाण वाली पार्टी है, किसान दा अज तक अगर भला किया है तो बीजेपी ने किया है, रिकॉर्ड है अटल बिहारी वाजपेयी तो लैके अज तक तुसी देख लो रिकॉर्ड का, देखो अज कोई मेरे कहने किसी कहने ना कोई माड़ा होंगे ना कोई चंगा होंगे। जैनी साहब एक साल के किसान दिल्ली दियां बॉर्डर के उत्ते बैठे ने, तुहानूं लगता भी बीजेपी सरकार जां भारत की सरकार इंसाफ कर रही है उन्होंने नाल? किसान बेमतलब दे बैठे ने, मैं किसान हाँ निरोल किसान है, किसान ये फैसला करना ही नहीं चाहते, मैं तो आप एक महीना लाया सीगा, सरकार सब कुछ मानने को तैयार है, सरकार ने सारा कुछ ही कहता, ये तो राजनीति करते हैं, राजनीति के हट गया किसान जथेबंदियों का संघर्ष। जैनी साहब वो तो कह रहे हैं भी सानू सदो सानू सदा सदा भेजो असीं आवांगे सानू दसो, सदो करो नहीं मेरी एक गल सुनो, सदो या कानून वापस लो, एक टकैत साहब जड़े है वो कहते हैं कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अगर फैसला अड़ी तो फैसला थोड़ा होंगे कि तुम कानून वापस करो तो मीटिंग है, फिर अगर कानून वापसी हाँ या ना हाँ ना तो कदे कोई मीटिंग नहीं होती, इस तरह कोई बैठ के गल कर किसान हित के बीच भारतीय जनता पार्टी के लीडर हर एक चीज सोचते किसान बारे, असं इतों तक कह सी किसान जरा पंजाब का है करजे के वक्कर जाल से फस गया सानू करजे चो कढ़ो, वो भी हाँ की आ जाओ टेबल से गल कराओ आप सारी गल करते हैं, ये जथेबंदियां गल करना ही नहीं चाहती और जथेबंदियों के वास्ते भी तो गल ही नहीं है, ये गल ही किसी और के हाथ में जा चुकी है। किहदे हाथ में जा चुकी है जैनी साहब दस दो नाम तो दस दो, सबनों पता है स
सब नु पता लग जाना धीरे धीरे। असि तो पहले कहते कामरेड जेडे इन्होंने कामरेड बड़े हुए ने, कामरेडा ने कभी देश का भला नहीं चाहिया। और जिसे कामरेडा का झंडा जिस कारखाने जिस फैक्ट्री च लग गया ओनू बर्बाद करके छड्या। ये असि नहीं कहते, अज सारे भी कह लगे, एक नहंग ने भी नहंग सिंह ने बोलते हुए कह दी भी ये कामरेड विच बढ़ गए। असि तो पहले भी गल कर रहे थे, गल पहले ही कह रहे थे कि कामरेड जरा कदे देश का हित नहीं चाहते, कदे देश का भला नहीं चाहते। जिस कारखाने से कामरेडा ने झंडा लग्या वो कारखाना जो तक फेल नहीं हो गया, बर्बाद नहीं हो गया, उदो तक झंडा लथा नहीं। ये कोई मैं नहीं कह रहा, यह दुनिया कह रही है, दुनिया जग जाहिर है। बंगाल का हाल देख ले, जिसे भी कामरेडा का दौर से बर्बादी आई है। जैनी साहब किसी बंदे का नाम तो दस दो भी जो खराब करना चाहता है काम, जो समझौता नहीं होने कामरेड जेडे कामरेड सारे देख लो, जेडे जेडे कम्युनिस्ट है तुसी जानते नहीं। जैनी साहब यह नहीं लगता जो पिछले दिन अभी लखीमपुर खीरी की घटना देखते हैं यह जी चीजा करके जिथे एक पास लगता भी तुम किसान की सहानुभूति लै रहे हो रहे हो नहीं गलत बिलकुल गलत है। घटना वो भी निंदा करते हैं, इस तरह घटना नहीं होंगी। जरा देश के कोई भी मर्द है वह साडा ही है, किसी बेगाना नहीं है। साडे भरा ने, साडे सज्जन ने, साडे मित्र ने, साडे तो बाहर कौन है। असि एक दूजे सा सारा रोटी बेटी का साझ है। जेड़ी गल किसी ने की है वह भुगतेगा। मैं ये कहना चाहना हाँ कि भी ठीक है, खीरी जी गल हुई है उसे जरा गंडिया चार तीन तो मार के जरा मंत्री का मुंडा सी अंदर है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है, तो कानून ने काम करना है। ये कि गल है जिन्हें माड़ा किया भुगतेगा। असी कि असी कुछ की हमायत नहीं करते, गलत काम जरा करता है वह भुगतेगा। जैनी साहब जेड़े फिर किसान किसान आगू कह रहे हैं भी असी गलबात करने तैयार हाँ, सिर्फ कैमरे से ही गल कर रहे हैं। किसान अज गल करना चाहते ही नहीं है, मैं पता सारा कोई गल नहीं करना चाहता। किसान जत्थेबंदियां का बंदा गल करना चाहते, दो मिनट नहीं लगे किसान हित की गल करो, अद्धे घंटे च फैसला हो जाता है। सरकार बिल्कुल तैयार है, तोमर साहब तैयार है, अमित शाह जी तैयार है, मोदी साहब तैयार है। ये कोई मतलब करना नहीं चाहते, कोई करे की। जैनी साहब वो तो कह रहे ने, वो तो हर एक मुलाकात से कहें भी असी सानू सद्दा देन, असी तो गलबात करन तैयार हाँ। वो तो कहें भी जेड़े विचोले पहला पाए थे उन्हां दीआं लत्तां भार नहीं चलदीआं, विचोले विचोले वो फैसले नहीं कर सकते, फैसले सिर्फ दो बंदे कर सकते, जां नरेंद्र मोदी दे प्रधानमंत्री। भी पता गा जैनी साहब पहला 11 दौर की मीटिंग चली है, 22 जनवरी तक मीटिंगा चलदियां रहिंदियां। मीटिंग दे विच तां सरकार ने सब कुछ मन लिया सी, इन्हां दी गल मनन नूं तां नहीं मनदे। मीटिंग दे जांदे सी, मीटिंग दे जांदे सी ते तख्तियां ला लैंदे सी या सुनो या कुर्सियां दी पीठ फोर के बह जांदे सीगे। नहीं जैनी साहब कीती है एजेंट, जैनी साहब जे मन्निया हुंदा फिर तां इत्थों तक गल ही नहीं जानी सी। ये कानून जदों सरकार ने कहता, कानून एक व्यवस्था है, और मेरे इस कानून दे विच है कि मैनूं आ दसो माड़ा की है। सानूं इक अलग सुविधा दित्ती है, तुसीं लैणी है लो, ना लो जी। तुसी अगर कंट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो करो, ना करनी है तो ना करो। तुसी अगर मंडी से बेचना है बेचो, बाहर बेचना है तो बेचो। ए बॉन्ड की किता है, बंदिश की है, दसो। कानून तो है ही नहीं, है सुविधा है, लेनी है लो ना लो, तुहाडे ते निर्भर करती है। फिर दसो मैनू ए सुखी है, सुखी है ये कानून। अगर पंजाब के खेड़ा के लेके आए थे बादल साहब के पंज के लेके आए थे कैप्टन साहब, उदो तो नहीं विरोध किया जी। जैनी साहब तुहानू लगता नहीं भी कितने ना कितने जिहड़ियां इह फोटोआं सामने आईआं हैं, खास करके गुरमीत सिंह पिंकी कैट की फोटो नाल आ, उहदे करके कितने ना कितने ज्यादा रौला पै गया। फोटोआं की बिल्कुल गल ना करो, फोटो कितने भी राजनीति लोगों नाल हो सकती है, कोई जाके मिल सकता है, कोई ऐसी गल नहीं है। जां तां तुसीं कह दिओ वी जिहड़े नैन सिंह दी आदि की फोटो है वह उग्रवादी है, उहदा उग्रवादियां दा हाथ है, दूसरे देश ठीक है। जिहड़ी घटना हुई है वह माड़ी है, उहदी निंदा करदे आ, खास करके जो बीजेपी के ओपोजिट खड़े ने यही कहते हैं भी बीजेपी पंजाब का माहौल खराब करना चाहती है, इतने दंगे भी हो सकते हैं। जिहड़ी ये गल जा रही है जा किधर नूं रही है बीजेपी, बीजेपी ने ना तो कदे बयान गलत दिता, ना बीजेपी कदे माड़ी सोच रखी, ना बीजेपी का कोई अजी मतलब नीयत है। बीजेपी की मैं दसो, बीजेपी के उत्ते राजनीति ग्राउंड जेडे बालते ने इन्हें सारे देखी है कि राजनीति बड़ी हुई है। उन्होंने सब पता है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी दूजी बारी बन गया, तीजी बारी भी बनूगा। उन्होंने हरियाणा की जी चल रही है खट्टर, दूजी बारी बन गया, तीजी बारी बनूगा।
जिथे बीजेपी की सरकार बन जाती है उत्थे अमन शांति आती है उत्थे मतलब सूबा जरा खुशहाल होंगे भावे कोई सूबा देख लो जिथे बीजेपी की सरकार बनी है आज सामने यूपी रही इन्नी गुंडागर्दी बदमाशी होंगी सी सारे बदमाश उतो छड के भज गए अज लोग उत्थे सुख का सह लेंगे यूपी के विकास होया जैनी साहब बी एस एफ का जरा अधिकार खेतर 50 किलोमीटर वधाता तुहानू लगता भी यही विकास चलूगा पंजाब दे विच मेरी गल सुनो 50 किलोमीटर वधाता पहले 15 किलोमीटर सी ओदे भी मेरा पिंड दायरे च आंदा सी जिहड़े जाखड़ साहब गल करदे आ उहनां दा पिंड ओदे 15 किलोमीटर दे विच आंदा सी 15 किलोमीटर दे तो बी एस एफ दे सानूं उदों कोई तकलीफ नहीं जे 50 हो जूगी सानूं की तकलीफ होवे के दसो मैनूं अगे 15 किलोमीटर च सानूं कोई तकलीफ होंदी असीं कोई लोक हाहाकार करदे तां तां असीं मनदे भी 50 च होर तकलीफ हो जूगी अज तक दसो 15 किलोमीटर दा दायरा जिहड़ा है ਉਹ ਪੀ ਐਸ ਐਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਜੇ 50 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 50 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਇਸ ਬਗੈਰ ਤੁਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ 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 ਸੋ ਇਹ ਸੀ